नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं रतिन कुमार। देश प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने से लेकर के जनता के बीच जाकर के कार्यकर्ता क्या बताएं, कार्यकर्ता क्या समझाएं, सरकार की योजनाओं के बारे में कौन सी उपलब्धि बताएं, इसको लेकर के प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। चित्रकूट में ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू हुआ है। 3 दिनों तक बीजेपी के प्रदेश के कई सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संगठन मंत्री, केंद्र सरकार के कई सारे मंत्री चित्रकूट में मौजूद रहेंगे और वहाँ पर आगे की रणनीति और 24 की तैयारियों को लेकर मंथर विचार विमर्श और प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को और उन बूथों पर जहां पे वो हार गई थी या फिर उसे कम वोट मिला था, उन बूथों पर कौन सी वो कमी रह गई थी, उन कमियों को लेकर के चर्चा विचार विमर्श मंथन कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन पहले ही टूट गया था। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष से नाराजगी भी जताई थी और इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके ये बता दिया था कि साहब सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव कल ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जो बयान देते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि ओम प्रकाश राजभर को जो सिक्योरिटी मिली है, दरअसल वो उनको इनाम मिला है क्योंकि वो बीजेपी की तरफदारी करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बातों से, उनके काम से ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर किसी और राजनीतिक दल की जो आत्मा है वो घुस गई है और गांवों में जो झाड़फूंक करवाने की परंपरा है, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी वही झाड़फूंक करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो चुनावों के दौरान कैंडिडेट्स फाइनल हुए थे या टिकट बांटे गए थे, उसमें भी पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ सवाल जो है वो खड़े हुए थे। इस पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहां से कितना किससे पैसा लिया टिकट के नाम पर, अगर बताइए तो हम वो भी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक कर दें, और कुछ इसी तरह से अखिलेश यादव ने भी कहा था। तो जो विपक्षी दल, जो गठबंधन एक समय पर एक साथ दिखाई दे रहे थे, एक मंच से दिखाई दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हम 2022 का चुनाव जीत करके ये बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार किस तरह से अपनी नीतियों का जनता के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है और जनता कितनी नाराज है, इसको लेकर के हम जीत दर्ज करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर हमारे अंदर कितनी मजबूती है। लेकिन जीत तो नहीं मिली और जीत ना मिलने के बाद इस तरह से विपक्ष में जो बंटवारा होते जा रहा है, जो बंटता जा रहा है विपक्ष, उससे कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सामने खड़ी हो गई हैं। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई के साथ साथ अखिलेश यादव ने कल शिवपाल यादव को लेकर के भी एक बयान जारी किया। शिवपाल सिंह यादव को लेकर के उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव हमारे चाचा हैं, चाचा रहेंगे, उनका सम्मान है, लेकिन हमसे ज़्यादा सम्मान उन्हें जहाँ भी मिल रहा है वो जा सकते हैं, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। अगर वो कहीं और जाना चाहते हैं तो जाएं, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। वो अपना गठबंधन मजबूत करें, वो फिर से गठबंधन बनाएं, वो पार्टी मजबूत करें, संगठन मजबूत करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ उन्हें ज़्यादा सम्मान मिल रहा है वो जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत विपक्ष था वो बिखर चुका है, टूट चुका है, एक के ऊपर एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो चल रहा है और दूसरी तरफ 24 की तैयारी करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रही है। चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की बात कर ली जाए, संगठन को मजबूत करने की बात कर ली जाए, नेताओं को समझाने बुझाने की बात कर ली जाए, लगातार कोर कमेटी की बैठक की बात कर ली जाए और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चाओं की बात कर ली जाए, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये बताना चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटें हैं उनमें से एक बड़ा जो शेयर है वो हम एक बार फिर से जीत करके ले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी रोज चुनाव लड़ती है, ऐसा उनके नेताओं का कहना है। और विपक्षी दल रोज लड़ाई लड़ते हैं
रोज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये भी उन्हीं का कहना है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर 24 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल कितने सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी जिस तरह से कर रही है वो तैयारी कितनी कारगर सिद्ध होगी, और विपक्षी दलों के सामने अब क्या बचा है, क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के अंदर कोई दूसरे राजनीतिक दल की आत्मा घुस गई है, उनकी झाड़फूंक कराना बहुत जरूरी है। कुछ बयान सुनो, इसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूंक होती ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। ये बौखलाहट, ये हताशा, ये निराशा श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे पर बखूबी नजर आ रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर तबकों को आगे उठाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जिन लोगों ने कभी ये सपना नहीं देखा होगा कि मैं विधानसभा में पहुंचूंगा। ऐसे लोगों को विधायक बना करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया, और माननीय अखिलेश यादव जी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, ये साफ हो गया है कि अब ये उत्तर प्रदेश में समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, अब इनको मजबूत साथी कोई नहीं मिल रहा है, इस नाते बौखला करके तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तो साहब लंगोटे सिलने को दी हैं, काफी महंगी सिल रही हैं। भैया देखो, वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे, है कब? समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं। के बाद अब हम इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में और देश में 24 के चुनाव को लेकर के कौन कितना मजबूत है। संतोष सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, और इकलाक खान हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूँगा। अहम चीज़ ये है कि भगवान श्री राम की तपोभूमि को आप लोगों ने चुना है, 24 के चुनाव को लेकर के संगठन मजबूत आप लोग कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर है 3 दिनों का, कितना मजबूत खुद को देख रहे हैं, कितना मजबूत और खुद को बनाना है, क्या हलचल चल रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी, हमारे वहाँ चुनाव के लिए विशेष तैयारी चुनाव के इस समय किया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। 2024 का चुनाव आएगा, विकास के ऊपर अपने नेताओं के चुनाव करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे वहाँ मंडल अध्यक्षों का चुनाव होता है, हमारे वहाँ बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, हमारे वहाँ सेक्टरों का चुनाव होता है, तमाम तरह की प्रक्रिया है जो हमारे पार्टी के अंदर की सारी चीजें होती है, तो हम उसके आधीन है। हमको बहुत ज्यादा चुनाव में कोई विशेष तैयारी करना और चुनाव के लिए विशेष तैयार लोगों को तैयार करना कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, हम लोग 365 दिन करने वाले लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के निर्देश में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों को नहीं लगता कि आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में और देश में जो काम किया है, किसी को बताने और किसी को समझाने की जरूरत है। लोग समझदार है, जनता जानती है, हिंदुस्तान और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और जैसा की पिछला 2022 का चुनाव हुआ सबने देखा भी है कि नेता और हमारे नेतृत्व में कितना विश्वास है, लोगों को योगी जी में कितना विश्वास है, मोदी जी में कितना विश्वास है, उसी के आधार पर प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को किस नजर से देखते हैं संतोष जी, मैं ये जानना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, हमारे सामने आज के परिवेश में, आज के इस राजनीतिक परिवेश में जो हमारे क्षत्रिय दल है, मैं नहीं मानता हूं कि उनके पास अब कोई बेस बचा हुआ है, राजनीतिक बेस तो कोई नहीं है, और खास करके समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहूं। समाजवादी पार्टी को जिस मेहनत से और जिस परिश्रम से सींचा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, पुत्र मुंह में आकर के, और पुत्र ने ही उस पार्टी को जिस तरह से विनाश की तरफ ढकेल दिया है, मुझे कहने में कोई विरोध नहीं है। अखिलेश जी को क्यों लग रहा है, मैं ये कह रहा था संतोष जी, अखिलेश जी को क्यों लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के अंदर आप लोगों की आत्मा घुस गई है, उनकी झाड़फूंक कराना जरूरी है?
देखिए किसी किसी के कहने से किसके अंदर क्या आत्मा घुसी हुई है, किसके अंदर क्या घुसी है, मैं तो वही कहूंगा कि उनके अंदर ऐसी कौन सी आत्मा प्रवेश कर गई थी कि राजभर जी के साथ और अन्य दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उनके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई थी कि बहन जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उनके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई थी कि कांग्रेस के लोगों के साथ गठबंधन किया था। नीतीश जी देखिए बहुत सारी बातें हैं, हम ये बेतथ्य की बातों पर बहस करना ही नहीं चाहते, और मैं तब बहस करता और तब मानता जब हमारे सामने कोई विपक्ष होता। हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है, और विपक्ष लोगों मैं तो चाहता हूं, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे समाजवादी भाई बैठे हुए हैं वो भी हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जिस समाजवादी पार्टी को, जिस लोहिया जी की विचारधारा और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को लेकर के पांडे मुलायम सिंह ने खड़ा किया था, हमारा वैचारिक मतभेद है उनसे, हमारा राजनीतिक मतभेद है उनसे, हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन जितना जरूर होगा जिस मेहनत से उन्होंने इस पार्टी को तैयार किया था उतनी ही मेहनत और परिश्रम के साथ माननीय अखिलेश यादव इस पार्टी को बिल्कुल डुबो दिया है। अब दोबारा 2024 और 2024 के बाद 2027 और 2029 जब आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी दोबारा नजर आने वाली है, समाजवादी पार्टी का हद बहुत बुरा होने वाला है। ठीक मैं आता हूँ। तारिक खान हमारे साथ हैं। तारिक भाई, संतोष जी की बात आपने सुनी है, वो 24 की तैयारी कर रहे हैं, उनका 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि विपक्ष निष्क्रिय है। इसके अलावा जब वो 24 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पुराने साथियों के भूत छुड़ाने की बात कर रहे हैं, क्यों भाई? अखिलेश जी खुद गए थे उन ट्रेनिंग कैंपों में, मैंने खुद कितने ट्रेनिंग कैंप अटेंड किए, लेकिन हर पार्टी की एक प्रक्रिया है, उनकी अपनी प्रक्रिया है। बस जब ये लोग जेपी और राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह की बात करते हैं तब हमको नहीं समझ में आता है कि मुलायम सिंह यादव इनके लिए आदर्श कैसे हो जाते हैं, जिसने एक तरीके से कार सेवक को गोली मारी वो इनके लिए आदर्श बन गए, है ना, जिसने जिसको इन्होंने कहा बच्चे हैं गलती हो जाती है, मतलब एक भोपू की तरह उसको बजाया, एकदम गली गली बजा की मुलायम सिंह यादव ने एक बार कह दिया अगर बच्चे, तो जिसका रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट संदर्भ और प्रसंग कुछ और था, इनको मुलायम सिंह यादव की चिंता क्यों हो जाती है? हमने बस ये नहीं तो अब ये गलत बात है, ये तो अब जैसे ओम प्रकाश राजभर ने भी आपके लिए वोट मांगा था लेकिन आप कह रहे कि उनके अंदर किसी और की आत्मा, हम भूत छुड़ाएंगे उनका। देखिए कहने का मतलब समझिए, तात्पर्य समझिए, वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं वो प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अच्छा कराया जा रहा है, कहने का उनका ये मतलब है। अब मुहावरों के साथ या उदाहरण देके उस बात को बताया जा सकता है, उसी तरीके से उन्होंने उस बात को बताया है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे अखिलेश यादव एसी से रहते हैं, तो क्या जब जौनपुर गए कल परसों तो एसी साथ में लेके गए थे क्या? कि 50 आदमी था जो एसी मुंह पे लगाए था? अरे भाई हर नेता क्षेत्र में निकलता है, आप भी निकलते हो, हम भी निकलते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा अजीब काम कर दिया कि हम खेत में 48 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं, जैसे हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ाए हैं। हम तो 10-12 साल की उम्र से मैं चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया था, तब भी बहुत गर्मी होती थी, तब भी धूप में दौड़ा जाता था, तब भी उधर उधर भागा जाता था। अच्छा तो ये तो बात हो गई ओम प्रकाश राजभर की, शिवपाल जी के लिए भी अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र हैं, जहां ज्यादा सम्मान है वहां जाए। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि आप राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं भी यही बात कहता हूँ कि ये सब राम मनोहर लोहिया के स्टूडेंट हैं और जेपी साहब के स्टूडेंट हैं, तो उस विचारधारा को इनके साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यही एक बार, सिर्फ एक बार संघ जनसंघ को साथ में लिया था जब जेपी साहब आंदोलन कर रहे थे बिहार वाला, बिहार में जो आंदोलन हुआ था जिसको जेपी आंदोलन और बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वही एक बार उनका साथ दिया। बाकी इनकी विचारधारा और इनकी कम्युनल विचारधारा से उन्होंने हमेशा अपने आप को किनारे किया, और उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि जो सामाजिक जो बराबरियां नहीं है उसको बराबरी करने की कोशिश की जाए, जो कि अभी हमारे आपके दोस्त अडानी साहब दुनिया के 4th अमीर आदमी बन गए, आपको पता है 22 नंबर पे थे, क्या छलांग मारी है, कोरोना में पूरी दुनिया मरी जा रही है, कैसे बताएंगे? ये पूंजीवाद है। लोहिया और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश ने पूंजीवाद का विरोध किया था, सोशलिज्म समाजवाद यही कहता है, इनके मुंह से सुनेंगे, इनके मुंह से अच्छा लगेगा आपको समाजवाद, इन्होंने पूंजीवाद को कहां से कहां पहुंचा दिया, अब बताएं डिफाइन करें उस चीज को जब पूरी दुनिया। लेकिन तारिक भाई, शिवपाल जी से काहे की नाराजगी है, क्यों अखिलेश कह रहे हैं कि जहां सम्मान है वहां जाए?
शिवपाल साहब से कोई नाराजगी नहीं है जब आप बार बार कहेंगे कि हम जाएंगे, बात समझिए आप। देखिए यहाँ पर छवि अखिलेश यादव साहब की, क्योंकि मोटा विपक्ष, अगर हम आपका वोट नहीं ले सकते हैं तो स्प्लिट कर दें, बांट दें, बात समझिए आप। जैसे हम भी यही करते हैं, बीजेपी को बहुत वो साइंस नहीं कर रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रही है, हम आपका वोट नहीं ले सकते तो किस्त कर दें उनको, बांट दें। जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट आए, बाकी लोग फेल हो जाए, जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट आए। तो इस तरीके से, और यही यही अगर उस टाइम पे मीडिया होता जब 70 के दशक तक सिर्फ कांग्रेस का राज था, तो शायद मीडिया भी यही सब बात, तब सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, तो यही सब बातें कर रहा होता होगा कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष खत्म। आप कुछ भी क्लियर नहीं बोल रहे हैं, आप आज आप घुमा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नितिन भाई, घुमाऊंगा क्यों, मैं तो सही रहूं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं फिर से वही बात कह दूं एक बार लास्ट बार कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए बीजेपी से, मिलेगा, और आप उस दिन जरूर डिबेट रखिएगा जिस दिन मिलेगा, ठीक है, मिलना है। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ मिलेगा कि नहीं। दयाराम जी, ये तारिक खान कह रहे हैं कि सब कुछ प्रायोजित है, बीजेपी ने ही करवाया था, बीजेपी ही करवा रही है, और उन्हीं की आत्मा आप लोग के अंदर है, और कुछ ना कुछ आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है बीजेपी से। सरकार जो है अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ करा रहे हैं, इसीलिए स्वयं भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण करने के बाद जो है सदस्यता अभियान के लिए, और हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि संगठन हमारा जब हम मजबूत होंगे तो स्वयं होता है। आप बीच में जाने का काम हम कर रहे हैं, उसमें गड़रिया कुर्बी भर चमार मुसार धोबी दुल्हा दुनिया सैयद अंसारी पठान चौहान ब्राह्मण बनिया गौण श्रीवास्तव अरगर वंशी कंगार भूमियार खटिक बंजारा पासी बहलिया लोहार प्रजापति बढ़ई कश्यप केवट मल्ला लोनिया साख सैनी जाट गुजर तेली तबोली भर राजभर सुनार मछुआरा तुराहा माझी चौरसिया, इन जातियों के बीच में जा करके इनको हम अपने पार्टी के नीतियों के बारे में बताने का काम करेंगे। और नीतियां इसलिए बताना है कि सभी पार्टियां इन्हीं के बीच में जा करके आज सभी पार्टियों ने राज किया है, तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को बताने का काम कर रहे हैं कि हम कहां कहां कमजोर हैं, कहां पे हमें मजबूती देनी है, कार्यकर्ता हमारा कहां मजबूत नहीं है उस मजबूती को कर रहे हैं। सदस्यता अभियान जो है स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी ने तेज कर दिया है, हम गांव गांव में जा करके ये बताने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो ये अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है कि आप लोग के अंदर किसी और की आत्मा है, और वो झाड़ फूक की बात काहे के लिए कर रहे हैं? नहीं देखिए, आप साइंस और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगर माननीय अखिलेश यादव जी झाड़ फूक की बात कर रहे हैं तो ये उनके हताशा और निराशा का कारण हो सकता है। उसका कारण यह है कि पूर्वांचल में एक बड़ा सहयोगी दल इनसे हट गया है, तो जाहिर सी बात है हताशा का कारण हो सकता है। आत्मा अगर बसा होगा तो इसमें मुसार धोबी नाई जुड़िया दुनिया जो है सारी चौहान जो है बनिया श्रीवास्तव अरग भूमियार खटिक बंजारा पासी बहलिया का ही आत्मा हम लोगों के बीच में बसा होगा। आप ये बताइए, अगर हमें जख्म होगा, चोट लगेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। हमें शिक्षा ग्रहण करना होगा, शिक्षा के मंदिर के पास जाएंगे। अगर हमें संविधान के दायरे में रहकर जो ज्ञान प्राप्त होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हम ज्ञान जब प्राप्त करेंगे तो हमें मिलेगा। ये झाड़ फूक की बातें तो समाजवादी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, तारिक खान सुना आपने, क्या कहेंगे? क्यों हंस रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि जब जब दयाराम भार्गव जातियों का नाम ले रहे हैं आप हंस रहे हैं। ए भाई, हाँ, जातियों का नाम लेकर आप उनकी लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, मैं कह रहा हूँ जब अमित शाह से मिले तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? उनसे पूछा आपने कि ओबीसी का वर्गीकरण हो गया और एससी में समायोजन कब होगा, बताइए जरा, पूछा आपने? उन्हीं के तो हाथ में सब कुछ है, नहीं पूछा तो कहाँ कह रहे हो कि उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो जो 6 लाख वोट आपके विधायकों को मिले हैं, 5-6, वो अब की बार कचरी में बांध के मुंह पे मारे जाएंगे, वापस तो जाइए क्षेत्र में, क्योंकि बीजेपी के विपरीत किया गया था वही वर्गीकरण 18 महीने से। दयाराम जी सुना आपने, 1.5 घंटा चिल्लाए तारिक खान कह रहे हैं कि जो 6 लाख वोट मिला था अब की बार जाएंगे तो गठरी में बांध करके लोग आप लोगों के मुंह पे मारेंगे। देखिए, ये हमारे भाई का हताशा का कारण है। अब हताश व्यक्ति क्या कह सकता है, क्योंकि नितिन भाई आप भी जानते हैं पूर्वांचल में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के 27 जिलों का एक जनाधार है, इससे नकार नहीं सकते। ये इतना हल्का क्यों, इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं आप लोगों को?
अब ये तो समाजवादी पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। हमने आपको कहा ना, हम जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसकी नुमाइंदगी करके स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर दिन रात हो, सदन हो, सड़क हो, हमेशा जो है रोड पे या सदन में बात को उठाने का काम करते हैं, तो जग जाहिर है। अभी इन्होंने कहा पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात, तो हम अपने भाई से जान लेना चाहते, समाजवादी सरकार चार बार रही उत्तर प्रदेश में, इन्होंने क्यों नहीं वर्गीकरण कर दिया? पूछ लीजिए इनको जवाब, जवाब दीजिए। रिपोर्ट 2018 में पेश हुई है उनकी, 2018-19 में, कम से कम ये भैया जिनकी लड़ाई लड़ रहे हो उनकी तो पूरी रिपोर्ट, पूरी बातें पता करके रखिए आप लोग। अब ये भी हम ही बताएं, खैर सुन लीजिए। उससे पहले केंद्र सरकार ने कि एक ये बात कर दिया था कि जो करना चाहे कर ले, सब कुछ हमारी सरकार के बाद हुआ है। कई स्टेट ने ओबीसी का वर्गीकरण कर दिया, उत्तर प्रदेश में राजभर साहब आधा घंटा चिल्लाए विधानसभा, ठीक है, और उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि जब वाइस रैली लेने से पहले आपके, आप अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के पीछे चलने वाले, आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं बार बार, अरे भाई तो आप कहते कि पहले कराओ इसको। बाबा साहब वो है जिनका गांधी जी से विरोध हो गया था, बहुत मजबूत मतभेद थे गांधी जी से उनसे, उन्होंने कई बातें गांधी जी के विरोध में कही, तो फिर आप गांधी बाबा साहब की बात करते हैं, उसके बाद आपकी तो मेन डिमांड यही है। इसी वजह से 2012 में 3% वोट पाए थे, सबकी जमानत जब्त हो गई। ठीक है तारिक भाई, ठीक है मैं आऊंगा। एक लाख खान हमारे साथ प्रस्पस हैं। एक लाख भाई, तारिक खान के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सब कुछ सम्मान जो है वो खाली बीजेपी में ही मिल रहा है, क्योंकि अभी ये कह रहे थे कि लगातार आप लोग उन्हीं की भाषा बोलते हुए नजर आए हैं। देखिए, तारिक भाई ने जो कहा कि बीजेपी में सम्मान मिल रहा है हमें, तारिक भाई एक बड़े, मतलब मैं इनको कह सकता हूँ कि दूर की बातें देख लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। राजनीति में लगता है तारिक भाई को थोड़ा साइड करनी चाहिए और ज्योतिषी बनना चाहिए, क्योंकि ये दूर की बातें देख लेते हैं, बंद डिब्बों की बातें देख लेते हैं, बंद पर्चों की बातें देख लेते हैं। तो तारिक भाई की बातों को मैं, मेरी पार्टी सीरियस नहीं लेती, और उत्तर प्रदेश की जनता जो आपके चैनल के माध्यम से देख रही वो भी सीरियस नहीं लेती। भाई हमने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया, हमेशा दिया। जब माननीय आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में थे, तब समाजवादी पार्टी अपनी हैसियत रखती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और पिछली बार तारिक भाई ने भी कहा था कि इनको लालच है, तो आपको भी याद होगा नितिन भाई, हम सबको याद है, उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि जब आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे, आजम खान साहब दोबारा पार्टी में आए थे, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और उस पक्ष से त्याग दे दिया और आदरणीय आजम खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो हमारे नेता लालच वाले नेता हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और देखिए, अखिलेश जी ने कल बयान दिया, मैंने भी सुना, आपके चैनल के माध्यम से सुना, उन्होंने कहा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हमारे चाचा हैं और चाचा रहेंगे। तो ये तो देखिए, भगवान ने बनाया रिश्ता है, इसको तो चाह कर भी अखिलेश यादव जी नहीं बदल सकते हैं। एक और जलाओ, वो चाचा थे, चाचा हैं, चाचा रहेंगे, और वो चाचा सिर्फ अखिलेश यादव जी के लिए जी के नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के लाखों हजारों युवाओं के चाचा है, हम सबके चाचा है, हम सब भी उन्हें प्यार से चाचा कहते हैं। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी देखिए समाजवादी पार्टी की जड़ है, आप पत्तों को छाट सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जड़ पे हाथ अगर लगाएंगे तो पूरा पेड़ हिल जाएगा, और अगर मान भी लीजिए जड़ को आपने उठा के कहीं अलग रखने का काम किया, तो जमीन के जुड़े हुए नेता फिर से ऐसा पेड़ बन के उगेंगे कि आसपास के जितने भी पेड़ होंगे उनको ध्वस्त कर देंगे। सिद्धांत और कार्यकर्ताओं के सम्मान से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, तो वही उन्होंने किया, समझौता नहीं मिल रहा था तो उन्होंने लोगों के सामने कहा, अखिलेश यादव जी के भी कहा, भाई किस तरह का सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया आप हमें बताइए, तारिक भाई में बताए किस तरह का सम्मान दे दिया। तारिक खान जवाब करते हैं, जिनकी भाषा बोल रहे हैं, पहले भी कह चुका हूँ, यही लोग इनको कलेक्शन मंत्री कहते थे भाजपा वाले, कि सबसे ज्यादा कलेक्शन। आपको क्यों लग रहा है वो किसी और की भाषा बोल रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अखिलेश यादव ने सम्मान के साथ कहा कि आपको कहीं और सम्मान मिल रहा है तो आप चले जाएंगे, अब इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैंने आपसे कहा कि देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जहाँ सम्मान मिले, तो बेशक हमारी पार्टी थी 75 जिलों में, हमारा संगठन था, एक एक जिले में हमारा कार्यकर्ता था। नितिन भाई, एक सवाल का जवाब पूछिए, पूछिए, पूछिए। क्या 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 अभी जब चुनाव से पहले आप आए थे साथ में, तब क्या वजह थी? आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने चाचा के पास गए थे, उनसे उन्होंने कहा था
तो चाचा ने एक पल भी नहीं सोचा भाई हमारे चाचा, मैंने कहा ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी लालची राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा त्याग और बलिदान दिया। अभी सवाल पूरा सुन लीजिए, बोलिए। तो आप पिछली बार जब साथ में आए थे तभी ना आते, आप इसलिए आए थे क्योंकि आपको लग रहा था सरकार आ रही है, आप सुन लीजिए, अब फिर से पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग जब आए थे तब आप लोग को भी लगा था सरकार वाली बात जो भी कह रहे हैं। मैं नितिन भाई पहले भी कहा है कि तारिक भाई को राजनीति से थोड़ा किनारा करना चाहिए और भविष्यवाणी करनी चाहिए कि हमें पीडब्ल्यू दे रहे थे। देखिए बे चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हारने की वजह समाजवादी लोगों की यही है कि इन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है हमारी सरकार आ रही, सबको इन्होंने मंत्रिमंडल, हो सकता है तारिक भाई भी किसी विभाग के चेयरमैन अपने आप को घोषित करने वाले होते अगर कुछ समय मिल जाता तो। सब चीजें देखिए भविष्यवाणी बहुत होती है और कॉन्फिडेंस बहुत है समाजवादी पार्टी में, जमीनी स्तर पे नहीं है इस वक्त। आप हम उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, लोग ढूंढते हैं पहले क्या होता था, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आजम खान साहब, तमाम ऐसे बड़े छोटे नेता थे जो कि रोड पे लोगों के बीच रहने काम करते हैं। आज भी हमारे नेता अपने लोगों के बीच में रहते हैं, आज भी सैफई के अंदर हमारे नेता सुबह शाम अपने लोगों के बीच में रहते हैं। आजम खान आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो आज भी लोहिया और एक बयान आप मुझे आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का सुना दीजिए जिसमें उन्होंने लोहिया जी का जेपी जी का विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम ना किया। और अखिलेश जी ने देखिए एक चीज क्लियर कर दी, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने कहा कि शिवपाल जी लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, जेपी जी के आगे विचारों को आगे बढ़ाएंगे, जनेश्वर जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। तो जो चीज समाजवादी पार्टी अब नहीं कर पा रही है, जो चीजें समाजवादी पार्टी अब नहीं कर पा रही है, उन्होंने इशारा दिया है कि वो काम हमारे चाचा करेंगे, समाजवादी पार्टी वो चीज नहीं कर पा रही। तारिक खान, तारिक खान भाई, क्या जेपी और लोहिया की आप लोग बात करते हैं? जेपी लोहिया यही पूंजीवादियों के खिलाफ से चार नंबर पे ले आए अडानी को, आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए, आपको तो उनका विरोध करना चाहिए। आप जाके उनकी दावत खा रहे हैं, उनके वोटों से जो है पता नहीं क्या क्या बनने का इरादा देख रहे हैं। और देखिए हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, देखिए तारिक भाई व्यक्तिगत आप हमारे नेता को टारगेट करेंगे तो फिर मैं भी जवाब दूंगा जो आपको ही बुरा लगेगा और आपकी पार्टी और नेता को ही बुरा लगेगा। जो चीज कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, जो हमारे नेता को सम्मान दे रहा है, देखिए क्या वो मुख्यमंत्री केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री है? आप हमें बताइए क्या वो केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री है? नहीं, आदरणीय योगी जी क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री? हमको इसका आप जवाब दे दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो। दूसरी तरफ ले जाइए बात को, नहीं दूसरी तरफ आप ले जा रहे हो उस बात को। मैंने आप कह रहे हैं कि खाने पे बुलाया, अरे भाई वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी ने अगर उन्हें दावत पे बुलाया वो चले गए तो क्या कर दिया भाई? अपने क्षेत्र की जनता के हितों की बातों को मिलने के मुख्यमंत्री जी क्या नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जाइए, आप भी मानिए मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है ना कि बीजेपी या किसी पार्टी का होता है। कौन मना कर रहा है? अभी मैं बता दे रहा हूँ, 22 से पहले भी, 2022 से पहले भी सोए हुए विपक्ष को जगाने का काम भी हमारे नेताजी ने किया था। आप उठा के देख लीजिए कितना धरना प्रदर्शन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किया, कभी सपा ने भी नहीं किया इतना धरना प्रदर्शन। नहीं, एक सवाल तारिक भाई ये है, एक सवाल तारिक भाई ये है कि आपको क्यों लग रहा है कि ये दोनों लोग आप लोगों के खिलाफ जाकर के और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? हमारे खिलाफ जाने न जाने की बात नहीं है, मैंने कहा कि बड़ी प्रायोजित एक पूरी की पूरी एक तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज ऐसे किया जा रहा है कि उनकी जो जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ किया गया था वही काम अखिलेश यादव को कर उनकी जो छवि है, भले वो पैसा कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं समाजवादी से उठकर बात कर रहा हूँ, समाजवादी का होने से उठकर अलग हटकर बात कर रहा हूँ, एक एनालिस्ट की तरह इस वक्त बात कर रहा हूँ। नहीं तो इन सबके पीछे कौन है? इन सबके पीछे बीजेपी है ना? नहीं, हाँ वही लोग हैं, वही लोग हैं जो चाहते ये हैं कि जो विपक्ष में, जो विपक्ष को 110 सीटें मिली हैं, कहीं वो अगले विधानसभा में डबल ना हो जाए, क्योंकि जो 50 से अगर 110 जा सकता है तो वो आगे भी पहुंच सकता है। इस वजह से गलतफहमी है आपकी तारिक भाई, परेशान ना होइए, ये आपकी गलतफहमी है। आप 50 से 110 पहुंचे, वो तमाम लोग आपके साथ थे, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी साथ थे, माननीय राजभर सिंह आपके साथ थे, तब जाके आप सब लोग जुड़े हैं। वो दिन भी जल्दी आएगा कि समाजवादी पार्टी की निचुने विधायक ही रह जाएंगे। शिवपाल साहब को आप, अच्छा आपके पास जवाब नहीं होगा अगर कोई गिफ्ट स्वीकार कर दिया, बचे रहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, अगर उसका आप जवाब दे दी तो मैं मान जाऊं, सुनेंगे सवाल मेरा? नितिन भाई अगर नहीं, सवाल मेरा आप सुनेंगे? क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरा आप सवाल सुनेंगे? मेरा आप सवाल सुनेंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 से जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, 2014 इलेक्शन समाजवादी पार्टी हारी, 17 हारी,
19 हारी, 22 हारी, उपचुनाव हारी, तो आप लोग ने कभी इस पे चर्चा नहीं की? आप लोग ने कभी इस पे चर्चा नहीं? इसका मुझे आप जवाब दे दें कि इतने चुनाव हारने की वजह क्या है आपकी पार्टी के? अच्छा, ये नहीं, बिल्कुल हम क्यों नहीं चर्चा करेंगे, आप करिए मेरे साथ, चलिए, बहुत सी वजह है, मैं बताऊं वजह? हाँ बताइए। बहुत सी वजह एक वजह तो बता दीजिए, बहुत सी वजह हम अपने आप समझ जाएंगे तारिक भाई, कहने से कुछ नहीं होता है। आपका दिल भी जानता है कि समाजवादी पार्टी किस तरह जा रही है, किस तरफ जा रही है, मगर आप नहीं बोलेंगे ये बात, आप कतई नहीं बोल सकते कि भाई प्रवक्ता है आप। हम हार रहे हैं 2014 के बाद, हम मान रहे हैं उसकी बहुत सी, सिर्फ अखिलेश यादव कैसे जिम्मेदार हो सकते, मैं जिम्मेदार हूँ और आदमी जिम्मेदार है। मैंने केवल अखिलेश यादव जी नहीं कहा भाई, अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उनकी सबसे ज्यादा हुई और हार समाजवादी पार्टी की पूरी की है। ठीक है प्लीज, ठीक है तारिक भाई, मैं आऊंगा। संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका वीडियो लिंक टूटा हुआ है। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आपका वीडियो लिंक कुछ टूटा हुआ है। संतोष जी, तारिक खान कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट करके आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति कैसे खत्म करनी है, पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचाना है, कुछ उसी तरह से आप लोगों ने अखिलेश यादव को भी टारगेट किया हुआ है। अखिलेश यादव बाहर के पढ़े हुए है, और समाजवादी लोग इतने मजबूत लोग होते हैं, अपने आप को पता नहीं किस किस शब्द से संबोधित करते हैं, उनको किसी को तोड़ने और बहलाने फुसलाने से टूट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तारिक खान को यही डर सता रहा है। देखिए, तारिक भाई का दर्द मैं समझ सकता हूँ। तारिक भाई, अभी मैं आजम खान साहब का भी बयान सुन रहा था, और हमारे अभी और भाई ने बड़े अच्छे से उनको समझाया है, समाजवादी पार्टी बारे बड़े अच्छे से उनको बताया है। देखिए नीतीश जी, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, मैं शुरू दिन से ये कहते चला आया हूँ कि पार्टियां बनाने में समय लगता है, और पार्टियां बनाने से ज्यादा पार्टियां के संगठन और पार्टी में नेताओं को पुष्ट करना, एक तरह से कहते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चीज, और बहुत बड़ा एक पार्टी चलाने के लिए बहुत बड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है। लेकिन आज तक ना कांग्रेस ने उस पर कभी काम किया, ना समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया, ना ही किसी हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, सारे लोगों ने परिवार। अच्छा, मुझे एक बात बताते, तारिक भाई को मैं पूछना चाहूंगा, क्या तारिक भाई ये बता सकते हैं हमको कि तारिक भाई के अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कौन होगा? तारिक खान, क्या लगातार, क्या नितिन जी, क्या ये तारिक भाई बता सकते हैं कि लगातार चुनाव हारने के बाद एक बार भी अखिलेश यादव ने कभी जिम्मेदारी ली? क्या अखिलेश यादव हार मानते हुए संगठन न चला पाना, पार्टियों से गठबंधन बार बार करके बार बार तोड़ना, बार बार लगातार चुनाव हारना, क्या वह जिम्मेदारी लेकर के पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कौन होगा, क्या बता सकते हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लूं। तारिक खान जवाब दीजिए, बड़ा सवाल पूछा है। बिल्कुल, अगर ऐसा वक्त आएगा तो ये भी किया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल फिर पूछने वाले से भी पूछा जाएगा कि ये विदेश में पढ़ने वाले तो बहुत से नेता विदेश में पढ़ने गए थे, तब उनको कैसे, बाबा साहब भी तो विदेश में गए थे, क्या मानते नहीं बीजेपी वाले बाबा साहब हिंदुस्तान में वो लोग थे जो सबसे ज्यादा बाहर पढ़े लिखे थे। और ऐसा वक्त आएगा, देखिए जिम्मेदारी सबकी है। हाँ, वेटेज हार अखिलेश यादव का ज्यादा है, ये मान सकते, हार की जिम्मेदारी पूरी समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी ले रही है। मैं तो ले ही रहा हूँ कि हम हार रहे हैं 2014 से लगातार हार रहे हैं। अभी प्रसपा वाले भाई उस पर बहस करना चाहते थे, वो भी कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं। हम हार रहे हैं, हम मानेंगे गलती हमारी है, समाजवादी पार्टी के सारे लोगों की गलती है, हम अपनी गलती की वजह से हार रहे हैं, हम गलती को सुधारेंगे। लेकिन अस्तित्व पार्टी का खत्म नहीं होगा, अस्तित्व पार्टी का जिंदा रहेगा। रिवाइवल, ये क्या उतार चढ़ाव इन्होंने नहीं देखा? 200 पे पहुंचे, 14 पार्टी को मिला के सरकार बनाए, फिर से गिर गए, मनमोहन सिंह जीत गए। भाई उतार चढ़ाव किसकी, किन राजनीतिक पार्टियों में उतार चढ़ाव नहीं आया है? अब समाजवादी पार्टी अगर वो दौर देख रही है तो चर्चा करिए उसकी, हमारी भर्त्सना करिए, हम तैयार है, हमारी कमियां बताइए, हम सुनने के लिए तैयार। लेकिन जब विचारधारा बदलेगी तो मैं सवाल उठाऊंगा, सुभाष साहब की विचारधारा बदली
जो किले के सवाल उठाऊंगा, ओपी राज पर ओबीसी वर्गीकरण की बात की, वहां मिलने के दिल्ली में अमित शाह से नहीं बात की, सवाल उठाऊंगा, इतना सा कहना है मेरा बस। ठीक है दयाराम जी, बाकी जो बात कहिएगा सब स्वीकार है। दयाराम जी ये लगातार इस बात को अभी भी कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा की भाषा जो है वो बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से करी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कई सारे राजनीतिक दलों ने भाजपा के साथ मिलकर राहुल गांधी को भी जो उनकी राजनीति थी या कांग्रेस की जो राजनीति थी उसे खराब करने की कोशिश की, उसी तरह से समाजवादी पार्टी को करा जा रहा है और आप लोग उसमें शामिल हैं। देखिए नितिन भाई, मैं अपने साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को क्या, हम तो अलग हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में भर राजभर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो एसटी में शामिल करने की बात की गई थी, उसको लेकर के हम जो है उत्तर प्रदेश के भाई, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है तो उसको एसटी में शामिल किया जाए। अब हमारे तारिक भाई क्या कह रहे हैं उससे क्या लेना देना हमें, हम तो अपनी पार्टी का काम हो कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का काम करें, कटाक्ष छोड़ करके अगर अपनी अपनी पार्टियों को संगठन को हम मजबूत करेंगे तो उसमें ज्यादा हमें फायदा है। हमने आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 1947 से लेकर 2022 तक जिन जातियों के बेटी बेटा को चौकी थाने और क्या नाम है ब्लाकों में उनको जो है तरजीब नहीं दी गई, यानी उनकी नुमाइंदगी नहीं की गई है, उसकी नुमाइंदगी के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग संगठन के साथ सतत जो है 30 के 30 दिन जो है धरती पे काम करने का काम कर रहे हैं। तो मंडलवार हमारी समीक्षा बैठक चल रही है, हमारे तमाम बड़े नेता मंडलवार में जा रहे हैं, हम स्वयं उसमें जा रहे हैं। तो ये जो समय है 2024 में तब समझ में आ जाएगा कि सर्वोदय भारतीय समाज पार्टी क्या काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं कर रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वतः जानकारी पार्टियों को हो जाएगी। तारिक खान देखिए अभी कहा आपकी पार्टी आप अपना काम करिए मैं अपना काम करूं, अभी सवाल पूछ लिया जवाब नहीं दे पाया, आप अपना अब तक इतने दिन से बवाल क्यों मचाए हो, जब आप अपना काम करिए हम अपना काम करें तब आप अपने चेहरों के पीछे क्यों पड़े, उनकी पार्टी छोड़ दीजिए उनके हाल पे, तब आप क्यों बता रहे हैं हम 48 में काम कर रहे हैं, आप 14 डिग्री सेल्सियस में लेते हुए, अब देखिए वही बात आ गई एसपी की बात की, एसपी वर्ग और ओबीसी वर्गीकरण की बात नहीं, क्योंकि इस डिमांड को लेकर ये परेशान है इतने दिनों, उससे उस डिमांड का पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं कहां चली गई। तो अब मैं कह रहा हूँ ये बात कि अभी खुद ही कह दिया कि अब देखिए अब हाथ खड़ा करने लगे कि तुम अपना देखो हम अपना देखें, तो जब अपना देखें तब आप अपना देखो हम अपना देखें, तब काहे अखिलेश यादव पीछे पड़े थे आप इतने दूर से, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि एसी में सोते हैं, अब जयपुर के जवाब ले दयाराम जी कुछ कह रहे हैं, दयाराम जी क्या कह रहे हैं। तारिक भाई के ऊपर एक छोटा सा मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगा, काजल की कोठरी में 24 घंटे रहने के बाद मुझे काजल नहीं लगा। तारिक भाई तो ये सब बातें ये नीतियां जो है ना छोड़ दीजिए पिछड़ी जात का, मैंने आपसे एक जवाब पूछा कि 4 साल आपकी सर 4 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में तब आपने क्यों नहीं किया, हम आपसे जानना चाह रहे हैं आपने क्या लड़ाई लड़ा। तो इन जातियों को गुमराह करने की जो बात है पिछड़े सर्वाधिक आदिवासी माइनॉरिटी है इनका केवल वोट बैंक आप लोगों ने बनाने का काम किया, अगर इन लोगों का आपने उत्थान किया होता तो आज ये जातियां जो है शासन प्रशासन में सरकारी नौकरियों में नुमाइंदगी करते, इनकी भी हिस्सेदारी होते, इनकी बेटी बेटा भी पढ़ लिख करके कहीं आईएएस पीसीएस से बने होते, डॉक्टर मेडिकल कलेक्टर बने होते, लेकिन नहीं आपको तो आकर के टीवी पे केवल इधर उधर की बातें करने, हमने कहा ना इधर उधर की नहीं सीधे जनता के बीच में जाना, जनता की बात करना है। ठीक लाखन देखिए तारिक भाई ने एक बात अभी कही, उन्होंने कहा कि हम सुनने के लिए तैयार है, तो मैं तो इसके लिए बधाई देना चाहूंगा तारिक भाई को कि कम से कम वो इस बात के लिए तैयार हुए, सुनने के लिए तैयार है, बुलाते नहीं ना, लेकिन बस वही तो बात है ना, ये सिर्फ ये लोग कह सकते हैं कि मैं इन्हें आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी साहब को ये सम्मान दिया वो सम्मान दिया ऐसा सम्मान दिया, अरे भाई आप उनको बुलाइए, सीनियर लीडर रहे आपके पार्टी के, पार्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, समाजवादी पार्टी के जड़ रहे वो, आपने उनको अपने साथ ले तो लिया, क्या सम्मान दिया आपने उनको, कुछ नहीं, एक टिकट दिया कि लड़िए उस पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और हमारे तारिक भाई कहते हैं कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, भाई देखिए सीएम
आदरणीय योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और कोई भी उनसे अपने समाज अपने लोगों की बातों को नेता जाके मिल सकता है, आम जनता मिल सकती है। हमारे नेता अक्सर बीच में जाते रहते हैं, जब हमारे उनके क्षेत्र की कोई भी बात होती है, कोई दिक्कत होती है, उसको लेके वो माननीय योगी जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। और उन्होंने उनको, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको डिनर पे बुलाया। अब एक तो या ये नितिन भाई ये देखिए, खुद बुलाएंगे नहीं, दूसरा बुलाएगा तो उनसे भी तकलीफ है, तो अब ऐसे कैसे चलेगा आप हमें बताइए। अगर कोई सम्मान दे रहा है तो भाई हमें क्यों नहीं जा सकते हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ? बिल्कुल हम जा सकते हैं। तारिक भाई, नितिन भाई एक शेर, अभी किसी ने शेर पढ़ा था, एक शेर मैंने भी लिखा है। हाँ, दयाराम जी ने पढ़ा था आपके लिए काजल वाला। दयाराम जी ने आपके लिए काजल वाला पढ़ा था। इतना तो जान गया हूँ नितिन भाई, राज इंदौरी साहब का शेर है, तुम्हें खोकर इतना तो जान गया हूँ, तुम्हें पाने वाले सब पछताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के जो सवाल हैं, अब देखिए इनके सवाल में ही एक सवाल रहता है, अब मैं मजबूर हो जाता हूँ पूछने के लिए, अब मैं क्या करूँ? आपने क्या करें कि आपकी सरकार की तब क्यों नहीं कर दिया? हमारे एजेंडे में नहीं था वो, आपका मुख्य एजेंडा यही था, यही तो आप कह रहे थे इन लोगों की, जिनका ये याद करके आते हैं राजभर साहब और ये जो जातियों के नाम, बड़ा अट्रैक्शन भी था चुनाव के टाइम पे कि यार राजभर साहब बड़ा भर जातियों के नाम पढ़ते हैं, लोग सुनते थे उस जिस चैनल पे आता था उनकी टीआरपी भी बहुत बढ़ जाती थी। अभी जो साहब ने पढ़ा उनकी भी टीआरपी बढ़ जाएगी, खैर ये अच्छी चीज है, याद कर ले, लेकिन क्या याद करने से, अरे वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको याद है। अरे भाई कैसी लड़ाई है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप ही की तो लड़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, अब मेरा सवाल हो जाता है तो आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। आपकी कैसी लड़ाई है? जब दिल्ली में गए थे 1.5 घंटे की मीटिंग की अमित भाई से, तो अमित भाई से कह देते कि वो वाला काम करा दीजिए योगी जी से कह के, क्यों नहीं कराता? क्योंकि मुख्य एजेंडा तो वही है आपका, उसी पे आपके 6 विधायक जीते और बीजेपी के अगेंस्ट जीते हैं, तो इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। अब उसमें आप बता रहे हैं कि बुला लिया, मुर्मू जी के वोट देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नितिन भाई ये भी बात समझिए, मैंने बार बार आपके ही चैनल पे कहा है कि मुर्मू जी का दिल की गहराइयों से सम्मान है, उनका संघर्ष सम्मान देने लायक, उनके जीवन का, ठीक है उनको वोट दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं वो दिशा इनकी दिखा रही है कि उधर ही जा रहे हैं। बसपा ने मना कर दिया आपके लिए, आप क्या करेंगे? अभी परसों आपके प्रवक्ता एक और हैं मुझसे कह रहे थे एक दूसरे चैनल पे कि बीएसपी से सही टाइम लेंगे मिलने का, हम बहुत हंसे क्योंकि आकाश साहब अच्छी खासी हैसियत रखते हैं, कुछ सोच के कहा होगा ना, आप सब तरफ टहले हैं, अब आप चाहते हैं कि आप बीएसपी में चले जाएं तो बीएसपी आपसे मिलना ही नहीं चाहती, अब कहां जाएंगे? जिसमें रहते हैं उसकी बुराई करते हैं, जिसकी जिसमें जाना चाहते हैं वो बुला नहीं रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि वो कहीं जाएंगे? अरे भाई यही तो मैंने एक दिन सवाल उठाया था कि इन्होंने दो ही ऑप्शन रखे हैं, अरे तीसरा ऑप्शन मत जाइए कहीं, अगर स्वागत करूंगा मैं अगर नहीं जाते हैं, ये भी बात सुन लीजिए दयाराम जी, अगर ये अकेले लड़ते हैं चुनाव तो मैं उस चीज का स्वागत करूंगा, तारीफ भी करूंगा, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत इतनी ताकत नहीं है कि एक बाबा साहब का नाम लेता है और एक जेपी का नाम लेता है तो दोनों वीक स्टूडेंट है, एक बाबा साहब का कमजोर छात्र है और एक कमजोर छात्र जेपी और लोहिया का, ठीक है अगर हिम्मत है तो अकेले चले। दयाराम जी सुन लिया, आप लोगों के अंदर इतनी कुवत नहीं कि आप अकेले चुनाव लड़ लें? नहीं नहीं बिल्कुल, हमने नितिन भाई हम इतने मजबूत होते समाजवादी, इतनी मजबूत होती तो 14 हारी 17 हारी 19 हारी 22 हारी काहे नहीं सरकार बना लिए। अब रही बात हमारी पार्टी की, मैंने बार बार कहा है पार्टी को छोड़ करके जब अपने चाहते के नहीं हो रहे हैं तो दूसरों को क्या कहेंगे, सीख मत दीजिए, काम करो भाई, हमने बताया काम करने से बात बनेगी, ये उत्तर प्रदेश है 24 करोड़ जनता है। फिर नितिन भाई सबसे ज्यादा सीख यही लोग देते हैं, आप देख लीजिए सीख काम तो सलाह दे रहे हैं, काम करेगा। अरे सीख और सलाह में कितना फर्क है, 10% का फर्क कर लेते हैं। मैं अभी 1 लाख कह रहे थे कि आप बुलाओगे नहीं, कोई बुला लेगा तो उसमें भी आपको बुरा लग जाता है, वो अलग मसला है, मगर अभी जब कहते हैं जब मैं सलाह दे रहा हूँ तो बड़ा बुरा लग रहा है। नितिन भाई तारिक खान के लिए सब कुछ सही है, जो कुछ ये बोल दे सही है, जो कुछ ये बोले सही है, उस पर मत बहस करिए, जो ये कह दे बस मान लो, ये किसी एक बात पे रुकने वाले नहीं है।
हमारे प्रस्ताव के साथ ही मोहम्मद जो है विभाग भी जो कह रहे बार बार उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं अंदर का मामला है। तो भैया अंदर का क्या मामला, बाहर का क्या मामला, दोनों क्लियर करो ना भाई। अंदर बाहर का मामला मत रखो, क्लियर करके रखो। नहीं, भारतीय समाज पार्टी क्लियर कर, तारिक खान को यही तो बुरा लगता है कि आप लोग अंदर के मामले में इंटरफेयर करते हैं, वो उनको बुरा लग जाता है। नहीं 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 नहीं, अगर एसी वाले में इंटरफेयर आपने क्यों कर दिया, वो भी तो अंदर का मामला था। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सब जो है परिस्थितियों का गुड़ा गणित है। आज जो है अब उसके पीछे हम क्यों जाएं, जब हम बाहर हैं तो हम बाहर की बात कर रहे हैं। हमने कहा ना, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सदस्यता अभियान हमने पार्टी का जारी कर दिया, तेज कर दिया है। अपने कार्यकर्ताओं के बूथ लेवल तक जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर हम चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर के हम बैठ के करना शुरू कर दिया। और 2024 की रणनीति को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक ठीक, ये तो तारिक भाई कह सकते हैं, अभी ज्योतिषी थे अब ये टीचर बन गए हैं तारिक भाई, स्टूडेंट बताने लगे हैं और कभी भविष्य बताने लगे। ठीक है, मैं इनको तो इनकी बातों को अब मुझे नहीं लगता है कि कोई सीरियस लेगा। और ये वीक किसको कह रहे हैं, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव साहब को ये वीक कह रहे हैं। याद करिए वो दौर जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, किस तरीके से लाठियां खाई थी समाजवादी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं ने, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने स्वयं ने लाठियां खाई थी, सर पे चोट लगी थी, पट्टी बंधी थी। आपको केवल यही तो याद है अखिलेश जी ने खाया था, पट्टी बंधी शिवपाल साहब भी थे, अखिलेश भी, मैं कह रहा हूँ पट्टी बंधी थी शिवपाल सिंह यादव। किस तरीके से संघर्ष किया, जेल गए, जेल भरो आंदोलन किया, क्या हो रहा है आजकल आप हमें बताइए। केवल उस नीली चिड़िया पे जिसका नाम ट्विटर है, उस पे केवल एक दो लाइन का ट्वीट, कोई भी कार्यकर्ता परेशान किया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है। समाजवादी पार्टी कभी किस चीज का विरोध नहीं करती, कहाँ है समाजवादी पार्टी। हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, अगर उनके एक कार्यकर्ता पे आंच आ जाती है तो थाना चौकी से लेकर डीएम ऑफिस भी जाने का काम वो करते हैं, चाहे वो क्षेत्र में हो चाहे पूरे प्रदेश में कहीं हो। क्या करते थे पुराने समाजवादी लोग, आप हमें बताइए। बाराबंकी की घटना बताऊंगा, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जब थे तो एक कार्यकर्ता को परेशान कर रही थी पुलिस वहां पे, उन्होंने अपने घर से पैदल लेके डीएम आवास तक पैदल गए, लगभग लाखों कार्यकर्ता उनके साथ गए समाजवादी पे। उन्होंने कहा अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं और सबक सिखाते। तो अखिलेश ऐसा क्यों नहीं, कहाँ गई समाजवादी पार्टी। अब ये तो तारिक भाई बता पाएंगे, तारिक भाई देखिए सब जानते हैं, मैंने आपको कहा कि वो ज्योतिषी है, वो सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर वो बयान नहीं कर सकते भाई, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता है, बेइज्जती हो जाएगी। संतोष जी, संतोष संतोष जी बोलिए। मैं एक बात कहूंगा, अभी शिवपाजी के बारे में चर्चा कर रहे थे हमारे साथी, और तारिक भाई को मैं ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता और नेता है वो सारी परेशान है राष्ट्रीय अध्यक्ष से। समस्या एक बात की है कि दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, उनके सामने बोलेगा कौन, क्योंकि सारे लोग जो है शिवपाल यादव को बन नहीं जाएंगे। देखिए मैं एक बात से सहमत हूँ, मुझे मैं बार बार तो कहता हूँ प्रकाश जी का अपना राजनीतिक एजेंडा, उनका अपनी विचारधारा, उनकी अपनी पार्टी है, और शिवपाल जी का अपना विचारधारा है, एक पार्टी बनाया है, वो अपनी पार्टी के आधार पर चलते हैं। लेकिन नीति की मैं बात आपको दोहराता हूँ, जब माननीय मुलायम सिंह का स्वास्थ्य सही नहीं था, उनकी एज बढ़ गई, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अगर सही मानों में कोई नेता था उस समय जिसको यह जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की देनी चाहिए थी, वो नेता शिवपाल सिंह यादव थे। शिवपाल सिंह यादव ने बड़े नजदीक से देखा है मुलायम सिंह के संघर्ष को, शिवपाल यादव ने रोड पे आंदोलन किया है मुलायम सिंह के साथ, शिवपाल सिंह यादव जेल गए, बड़े संघर्ष करने के बाद एक नेता पैदा होता है, एक पार्टी पैदा होती है। लेकिन आप भी सलाह दे रहे हैं, दोनों आप भी सलाह दे रहे हैं, वो सलाह से नाराज होते हैं, आप भी सलाह दे रहे हैं। मैं तारिक भाई को यही समझाने की सोच रहा हूँ, तारिक भाई आप लोग जरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक बार बैठिए, उनसे बात करिए, उनको बोलिए ये ऑस्ट्रेलिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, आप लोग आइए, आप लोग चर्चा करिए उनसे। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ, वैसे नितिन भाई उनके बोलने का टोन देखिए, मैं खुश हूँ कि सबको इतनी चिंता है समाजवादी पार्टी के, भाईचारे की बात नहीं करते हैं वो।
डिक्टेटरशिप चलाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी, मेरा समाजवादी पार्टी का मैं मालिक हूँ, मैं जो कहूंगा वही एजेंडा बने। ठीक सर, ठीक सर, जवाब देते हैं। पार्टी और दल नहीं चला सकता। ठीक सर, मैं राय देता हूँ, मैं राय दूंगा, मैं तनाव दूंगा, मैं जरूरत में भाई तारिक भाई से कहूंगा, तारिक भाई को सलाह दूंगा, अखिलेश यादव को नहीं दूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव से समझदार तो तारिक भाई है। तो तारिक भाई कम से कम अपनी पार्टी और नेताओं का दर्द महसूस कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा। प्लीज आप एक बार जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठिए, नहीं तो आपकी पार्टी को कोई बचा नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ, हेलो तारिक, आवाज आ रही है नितिन भाई? तारिक भाई, ये आप तो कह रहे थे कि ये लोग आपको डुबाने में लगे हुए, ये तो देखिए आपके भले के लिए बोल रहे हैं। हाँ, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद दे दूं, मैं सवाल समझ गया। सवाल कर लीजिए। अच्छा, आप सवाल कर। मैं ये कह रहा था कि आप लोग कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ये बीजेपी वाले आप लोगों को डुबाने में लगे, ये तो देखिए कितनी अच्छी बात बोल के गए संतोष जी। नहीं नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ, कितनी ज्यादा चिंता है इनको अखिलेश यादव साहब, समाजवादी पार्टी की। मैं सबसे ज्यादा खुश तो मैं अब हूँ वाकई में इन तीनों लोगों से। हाँ। कि इन लोग चाहते ये हैं कि समाजवादी वापस आए, समाजवादी अपनी जो उसकी जो ताकत थी या जो ताकत कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है, वो अपने स्वरूप में वापस आए। तो ये चिंता अगर है लोगों में तो उस चिंता का सम्मान। तो इसी चिंता के लिए तो ओम प्रकाश राजभर ने बोला था, तो आपको बुरा लग गया था? देखिए, बुरा नहीं लगा था। अब देखिए, एक बार कहा जा सकता है, उसको उसका तरीका होता है। जैसे आज कहा गया, चीजों को लेने के ऊपर है ना, आप परसीव कैसे करते हैं। अब मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ, लेकिन मैं अखिलेश यादव से एक अलग इंसान हूँ। पहले आप ही लोग कहते हो कि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, तो जब पूरा कंट्रोल कैसे लेता है ये भी देखिए ना। अब आपको ठीक है, प्लीज प्लीज ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक 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 है, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 24 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जो तैयारी है वो कर रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है चित्रकूट में, और आगे कैसे रणनीति तय करनी है, जनता के बीच कैसे जाना है, कौन सी बातें बतानी है, इसको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, संगठन के विस्तार को लेकर के भी विचार विमर्श चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से धाराशाही है। ये खुद को कैसे मजबूत करेंगे और जनता की समस्याओं को उजागर कैसे करेंगे, देखना है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।